क्या आपको लगता है कि 3580 के लेवल तक जब मार्केट आएगा तो उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी रविंद्र? जी हाँ, मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल है 3580 का। हालांकि फंडामेंटल्स थोड़े से नेगेटिव है, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ पर एक लो लेवल एंट्री हो सकती है और वहाँ से फिर से एक बार एक 250 to 300 रुपीस अप मूव आ सकता है सोयाबीन में, और उसके बाद सोयाबीन एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3580 का एक अच्छा लेवल है एंट्री के लिए। हमारे साथ कुणाल शाह भी जुड़े हैं। कुणाल, आपका कमेंट क्या होगा एग्री मार्केट में, स्पेशली ऑयल सीड सेक्टर पर आपका आउटलुक क्या होगा, क्योंकि मानसून की चाल बढ़ने के बाद सोयाबीन में गिरावट बढ़ गई है, तो क्या कमेंट करना चाहेंगे आप सोयाबीन के ऊपर? ये अभी भी बेरिश ही लग रहा है दोनों रीजन से, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्रंट दोनों साइड से अगर देखे गए तो। हमेशा हम हिस्टोरिक चार्ट ओपन कीजिए सोयाबीन का, ये जो फेज होता है, ये जो 3 महीने होते हैं जनरली, इसमें बहुत ही रेयर ओकेजन है ठीक जिसमें है, तेजी हो पाता है, हाँ बिकॉज नया क्रॉप का सोइंग, इतना बड़ा क्रॉप आ रहा है। सो 3650 तक के लेवल आपको अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं, ठीक है मौजूदा स्तर से 3 से 4% की गिरावट आ सकती है। ठीक है, आप कह रहे हैं 3 से 4% तक दाम यहाँ पर और गिर सकते हैं। मस्टर्ड के ऊपर रविंद्र बी राव, आपकी कॉल इंट्राडे के लिए क्या होगी? जी, मस्टर्ड में भी मेरे हिसाब से जो सोया बीन और सोया ऑयल में जो प्रेशर है वो हम आरएम सीड में भी देख रहे हैं। हालांकि आरएम सीड थोड़ा सा डाइवर्जेंस, आरएम सीड और सोयाबीन में थोड़ा सा डाइवर्जेंस चल रहा था इन दिनों, लेकिन मेरे हिसाब से अब मस्टर्ड में भी एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अराउंड 4860 तक आता है मस्टर्ड, तो एक बार बिकवाली कर सकते हैं। 4920 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में 4760 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्री काउंटर की बात करते हैं कि वहाँ पर किस तरह की हलचल हो रही है। ग्वार के दाम पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी आई थी, लेकिन आज बाज़ार दबाव में दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, 2% नीचे है ग्वार सीड और ग्वार गम का भाव। कुणाल, क्या रुख है आपका इस पर, क्यों, क्योंकि जिस तरह से मानसून की बात आई, मानसून की खबर आई, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखा था, लेकिन ग्वार को लेकर दूसरी खबर ये है कि बुआई घटी है ग्वार की, क्योंकि क्रॉप शिफ्ट हो रहा है इस बार, तो क्या आपको लगता है कि ये गिरावट बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? रविंद्र, आपकी कॉल क्या होगी ग्वार सीड के ऊपर? जी, गुआर में मेरे हिसाब से जो जो हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी बिकॉज ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स, मेरे हिसाब से एक एक प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से गुआर में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, और यहाँ से अगर 3480 3450 तक अगर गुआर शीट मिलता है तो एक बार अच्छी बाइंग कर सकते हैं इसमें। मेरे हिसाब से ऊपर में 3650 से 3700 तक के प्राइजेस फिर से पॉसिबल है, सो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंटर कर सकते हैं ये लेवल पर। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण खबर आई है कृषि मंत्रालय की तरफ से, ये बात कही गई है कि पिछले 3-4 दिनों में खरीफ की बुआई में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले शुक्रवार तक खरीफ की बुआई 23% कम थी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का ये कहना है कि जो 60 लाख हेक्टेयर का गैप था पिछले फ्राइडे तक, अब वो कम होकर के 30 लाख हेक्टेयर रह गया, यानी पिछले 3 दिन में 30 लाख हेक्टेयर ज़्यादा बुआई यहाँ पर हुई है मानसून की चाल बढ़ने के साथ साथ। तो ये एक अच्छी खबर है बुआई के मोर्चे पर, और कहा यह जा रहा है कि तिलहन, दलहन और मक्के की बुआई आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। रविंद्र, ऐसे में क्या आपको लगता है कि तिलहन पे, मक्के पर फिलहाल नज़र रखनी चाहिए और यहाँ पर बाइंग अवॉइड करनी चाहिए? जी हाँ, मेरे हिसाब से जो प्रोडक्शन फिगर्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून इन ओवरऑल इंडिया, मेरे हिसाब से एक प्राइसेस में एक दबाव रह सकता है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस है, तो मेरे हिसाब से प्राइसेस में थोड़ा सा एक फॉल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज बुलियन मार्केट में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे, क्या गोल्ड में गिरावट बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।